लोकसभा चुनाव निकट आते ही हिमाचल के दोनों प्रमुख दलों के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया में वायरल हुई टिप्पणियां गले की फांस बनती जा रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं द्वारा इन दिनों टिप्पणियों को लेकर पुलिस में मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव निकट आते ही हिमाचल के दो प्रमुख दलों के नेता सोशल मीडिया पर वायरल हुई टिप्पणियां गले की फांस बन रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के नेता इन टिप्पणियों को लेकर बयानबाजी से लेकर पुलिस में मामले दर्ज करवाने में जुटे हुए हैं। भाजपा नेताओं ने किन्नौर और रामपुर कांग्रेस के एक नेता पर अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। रामपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सूरत नेगी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूसरी ओर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने जिस तरह से भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है वो प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाला है। इस तरह की भाषा से प्रदेश का माहौल खराब होता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के ऐसी टिप्पणियां करने वाले नेताओं के खिलाफ पीओ भावानगर और रामपुर में पुलिस में शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के पुत्र एवं पूर्व सीपीएस जिस तरह से सोशल मीडिया में टिप्पणी करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस को ऐसे नेताओं की जुबान पर भी लगाम लगानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है, एक शांति प्रिय लोग और देवभूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है, लेकिन अभी ये वीडियो का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये कोई पुराना वीडियो है जिसको उन्होंने जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इसलिए हमारा ये डिमांड है कि इस व्यक्ति को, संजय को तुरंत अरेस्ट किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश में सुमूतली लोकसभा के चुनाव हो और समाज में कोई व्यवधान प्रदान ना हो।